नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में फिर एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसे फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया है कि क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका रिश्ता एक युवक से तय हुआ था, जिनकी जल्दी शादी भी होने वाली थी। वहीं युवक ने युवती को कई तरह के प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद युवक ने शादी के लिए भी मना कर दिया। इसी दौरान युवक ने उसके कई फोटो वीडियो भी लिए थे, जिन्हें वायरल करने की भी धमकी दे रहा था, जिससे परेशान होकर युवती ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू की है। भवरकुआ थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें पीड़िता के द्वारा एक रिपोर्ट लिखवाई गई है, जिसमें एक आरोपी है जो कि उसके साथ उनकी शादी तय होती है और शादी का झांसा उनके द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो शारीरिक संबंध बनाए गए थे, परंतु शादी करने से मना करने के बाद में महिला ने जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और रिपोर्ट कराई, तो जिसमें मामला पंजीबद्ध किया गया। आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। फोटो वीडियो वायरल करने की जी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जिसकी जांच की जा रही है और कहां कहां पर उन्होंने फोटोज़ को शेयर किया है, वायरल किया है, उनको हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द निकलवाएंगे और इसके ऊपर बढ़ाने कार्रवाई करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम्स स्मार्ट टीवी ऐप।